अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जिसकी रेसिपी बहुत ईजी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें जो है वो तफसील से बताऊँगी। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को जो है स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और हर स्टेप जो है वो देखिएगा, ताकि आपको परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाना आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने पिज़्ज़े की जो है वो डो तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है। आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ठंडे पानी में अगर हम अपना ईस्ट शामिल करेंगे तो वो जल्दी से राइज नहीं होगा। हाफ कप नीम गर्म पानी में जो है वो हम एक चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे। एक टी स्पून मैंने यहाँ पर जो ईस्ट है वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है। तो इसको जो है अब हम दो मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो तब तक जो है वो हम अपने मैदे में बाकी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो दो कप मैदा लिया है, एक कप मैंने इसमें शामिल किया और एक कप ये है। दो कप मैदे में जो है 1/4 टीस्पून जो है वो हम नमक ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। ये देखें, हमने इसमें जो है 4 टेबलस्पून जो कुकिंग ऑयल है वो भी शामिल कर दिया है। अब ये जो हमने ईस्ट मिला के पानी में रखे हुए थे, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे और डो को जो है वो गूंद लेंगे। अब हम इसमें भी मज़ीद जो है वो पानी शामिल करेंगे। ये भी पानी मैंने नीम गर्म ही लिया है। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने जो है वो डो को अच्छी तरह से जो है वो गूंद लिया। ये देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अब जो हम है इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो कुकिंग ऑयल लगा देंगे, ताकि जो हमारी डो है उसकी ऊपर वाली जो तह है वो हार्ड ना हो जाए। ढाँप कर जो है वो हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। आपने इसको गर्म जगह पर रखना है, किसी भी हवादार जगह पर नहीं रखना है। और ढक्कन आपने ऐसा इसके ऊपर लगाना है जिससे जो है वो हवा इसमें बिल्कुल ना जा सके। तो फिर देखिएगा आपकी डो बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो व्यूवर्स, जब तक जो है हमारी डो जो है वो राइस हो रही है, तब तक जो है हम अपने चिकन को भी जो है वो मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाव जो है वो चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ये देखें इस तरह से काट लिया है। अब हम इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो दही का ऐड कर देंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, दही डालने के बाद जो है वो मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है भर के चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था। 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ऐड की थी, 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की थी और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था और 1 चुटकी इसमें हल्दी ऐड की है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डालते वक्त मुझसे जो है वो पार्ट स्किप हो गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस और 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो मैंने इसमें सिरका ऐड किया था। सिरके की जगह जो है वो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चुटकी मैंने ओरिगैनो लीव्स भी इसमें शामिल किए थे, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू बनाएंगे। तब हमने जो है वो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 1 घंटे के लिए जो है वो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, 1 घंटा जो है वो हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए हो गया है। ये हमारा स्टेप 3 है। 1 में जो है वो सबसे पहले हमने अपनी डो बनाई थी, जिसको हमने राइस होने के लिए रख दिया है। फिर स्टेप 2 में जो है वो हमने अपने चिकन को मैरिनेट किया और अब स्टेप 3 में जो है हम ये चिकन को कुक करेंगे। तो आइए अब हम चिकन को कुक करते हैं। अब हम चिकन को जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो कुक कर लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, चिकन को जो है वो पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने जो है वो पानी भी छोड़ दिया है। तब इसी पानी में जो है वो हम इसको कुक करेंगे, मज़ीद पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम ही रखनी है। तो ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पर जो है हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखें गाइस, हमारी डो जो है कितनी अच्छी रेडी हो गई है। मैं थोड़ा सा जो है वो हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लूँगी और मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो गूंद लूँगी। इसी दौरान आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह से जो है वो हम इसको फैला लेंगे, सेंटर से थोड़ा पतला रखेंगे और किनारे इसके थोड़े मोटे रहने देंगे। तो जिस साइज़ की आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है उस साइज़ का जो है वो आप इसको फैला लेंगे। तो अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो इस तरह का जो ढक्कन है वो आम तौर पर हम सब लोगों के घरों में होता है, तो मैं इसी में बनाऊंगी ताकि आप लोगों भी आसानी से अपने घर पर बना सकें।
विदाउट पिज़्ज़ा ट्रे के। थोड़ा सा जो है हम इस पर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। पिज़्ज़ा है वो नीचे से ट्रे पे जो है वो चिपक जाता है, एक इसकी वजह ये भी है कि हम लोग जो है वो इस पर ऑयल नहीं लगाते। तो इस तरह से जो है वो हम इस पर ऑयल लगा देंगे। इस तरह से जो है वो हमने जो डो बेली हुई थी उसको ट्रे के ऊपर रखेंगे और किनारों से थोड़ा सा इस तरह से हम जो है इसको सेट कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम जो है इस पर थोड़ा सा जो है मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। ये मोज़रेला चीज़ वही है जो मैंने आपको घर में बनाना सिखाया था। तो अगर आपने मेरी मोज़रेला चीज़ की जो है वो रेसिपी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब हम इस पर जो है वो चिकन रखेंगे। चिकन रखने के बाद जो है वो अब हम इस पर जो है वो अपनी सब्जियों की जो है वो टॉपिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ियाँ ले सकते हैं। आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, इस पर जो है वो मैंने सब्ज़ियों की भी टॉपिंग कर दी है। अब इसके ऊपर जो है वो हम दोबारा मोज़रेला चीज़ की फिलिंग कर देंगे। चीज़ लगाने के बाद आप इस पर जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्च जो है वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और थोड़े से जो है वो ओरिगेनो लीव्स जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो हम ओवन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि घर में आप किस तरह से जो है वो पिज़्ज़े को बेक कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके लिए जो है वो मैंने प्रेशर को पहले से ही प्रीहीट किया हुआ था। अब हम इसमें जो है वो एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड मौजूद नहीं है तो आप इसमें कोई भी प्लेट जो है वो उल्टी, स्टील की प्लेट जो है वो उल्टी रख सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो अब हम अपना पिज़्ज़ा जो है वो रख देंगे। बहुत एहतियात के साथ रखिएगा क्योंकि प्रेशर जो है वो हमारा प्रीहीट हुआ हुआ है। तो अब हम जो है वो इसको 20 मिनट तक जो है वो ढाँप कर इसको प्रीहीट करेंगे और जो आँच है वो बिल्कुल लो रख देंगे। तो मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। तो ये देखें व्यूअर्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखें कितना अच्छा जो है वो हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। ये देखें हमारी डो भी कितनी परफेक्ट फूल चुकी है। तो अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ और इसको आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये है हमारे पिज़्ज़े की फाइनल लुक। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मेरा हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय कीजिए। तो मिलूंगी मैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।